हस्बैंड एपिसोड 8 ग्लिम्स एंड एपिसोड 9 प्रीव्यू। जहाँ जीवन अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रही होती है, लेकिन इसी बीच जीवन और मिनवान यानी उसका जो हस्बैंड है फ्यूचर, वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। और मिनवान अभी तक सब कुछ बता चुका होता है कि उसको कितना ज्यादा प्रॉपर वो पैसों में लॉस हो गया है, और वो सोचती है कि देखो कितना बेचारा होकर मेरे से अलग अलग तरीके से पैसे मांग रहा है, क्योंकि वैसे दिखाते हैं कि अरे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब तो बस मेरे पास आत्महत्या करने का ही लास्ट रास्ता बचा है। फिर वो उसको ऑन द स्पॉट प्रपोज कर देता है और सोचता है कि फैमिली तो इसका एक वीक पॉइंट है, तो मैं फैमिली के नाम से इसको प्रपोज करता हूँ और ये मेरे को फटाफट हाँ कर देगी। लेकिन वो उस समय कोई भी जवाब नहीं देती है, क्योंकि अब वो जानती है क्या सच्चाई है। फिर बाद में वो मिस्टर यू से मिलती है और सारी की सारी बात बताती है कि कैसे उसने उसको कितने बेकार तरीके से प्रपोज करा और इस बार वो कोई झांसे में नहीं फंसने वाली। फिर वो एक खाली स्पॉट देखते हैं और उसको याद आता है कि जब वो छोटी हुआ करती थी कॉलेज डेज में, तब वहां पे एक ना ऑरेंज कलर की कैट हुआ करती थी जिसको वो सर्दियों में खाना खिलाती थी। एक छोटी सी कैट थी जिससे ज्यादा इंसान भी पसंद नहीं थे, उसका टेम्पर भी काफी हाई रहता था, और वो उसके बारे में मिस्टर यू को बताती है। इसके बाद ये दोनों वहां आ जाते हैं जहाँ मिस्टर यू जो है वो मार्शल आर्ट्स और टाइकोंडो की प्रैक्टिस करते हैं, और वो आगे भी ये स्टोरी बताती रहती है कि वो बिल्ली जो है एक रात अचानक से गायब हो गई। मैं चाहती थी उसको घर ले जाना, पर मैं उसको ले जा नहीं पाई और मुझे अफसोस होता था। तो मिस्टर यू बताते हैं कि उसी साल की बात है, मुझे भी एक बिल्ली मिली थी और जिसको मैंने कार एक्सीडेंट से बचाया था, मतलब वो गाड़ी के आगे आने ही वाली थी और मैं उसको बचाने के लिए कूद गया, जिस वजह से बिल्ली तो बच गई पर मेरे घुटने में जो है वो बहुत जोर की चोट आई थी, लिगामेंट जो है वो टियर हो गया था। और वो बताते हैं वो कैसी कैट है, उसे इंसान नहीं पसंद, छोटी सी ऑरेंज कलर की। तो जीवन को विश्वास ही नहीं होता कि अरे ये वो सेम कैट है जिसको वो पालना चाहती थी और वो एकदम सेफ मिस्टर यू के पास पड़ी है। इसके बाद वो दोनों मिस्टर यू के घर जाते हैं और वो उसके साथ खेलने लग जाती है, और मिस्टर यू अपने घर का पासवर्ड भी उसको बता देते हैं और कहते हैं कि तुम जब मर्जी आओ यहाँ पर इसके साथ आके खेल सकते हो। वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। वहीं फिर वो बताती है कि मिनवान कितना ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है और वो सारी जो है वो चालाकियां करा ताकि वो मेरे से और अपनी फैमिली से पैसे निकाल सके। तो मिस्टर यू भी कहते हैं कि मुझे पता है वो कुछ भी हो जाए तुम कितनी कोशिश कर लो वो तुम्हें प्रपोज तो करके रहेगा, शादी से पीछे नहीं हटेगा। फिर वो बताते हैं कि मुझे अभी भी वो टाइम याद है जब उसने मुझे प्रपोज किया था और कितना गंदा सड़ा हुआ प्रपोज किया था, और वो भी मेरा बर्थडे वाले दिन था, और अभी वो टाइम आना बाकी है, मतलब वो प्रपोजल मुझे वापस से देखना पड़ेगा, मतलब मैं अभी सेकेंड लाइफ अपना रीबॉर्न करके आई हूँ और वो गंदा सा नजारा, वो गंदा सा प्रपोजल अपने बर्थडे वाले दिन मुझे वापस देखना पड़ेगा। और वो सोचती उसको घिन आने लग जाती है, लेकिन मिस्टर यू उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो वो मिनवान को पैसे देते हैं और इसका बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए और प्रपोजल भी स्पेशल बनाने के लिए मिनवान की हेल्प करते। तो ड्रोन का यूज करके अच्छे से वो लाइट वाइट जो है वो शो करते हैं उसको और पटाखे वटाखे फोड़ते, और वहां पे अच्छे से ड्रेसअप होके आता है वो भी मिनवान भी, और वो उसको एक रिंग के साथ प्रपोज करता है। और ये रिंग असल में डायमंड रिंग नहीं होती है, ये नकली रिंग होती है, लेकिन मिनवान इसे दिखाता है कि वो असली रिंग है, और वो उसको प्रपोज करता है। वो प्रपोजल के लिए हाँ भी कर देती है। सारे फ्रेंड्स होते हैं, सुमिन होती है, मिस्टर यू होते हैं, हर कोई होता है, पर सुमिन तो वो खुश नहीं होती है बिल्कुल भी इन सबको देख के, क्योंकि वो तो इन दोनों को तोड़ना चाहती है। तो वो जो है सबके सामने रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है और दिखाती है कि हाँ मैंने प्रपोजल के लिए हाँ कर दिया। मिस्टर यू सोचते हैं कि मैं सब कुछ करूंगा जीवन की हेल्प करने के लिए। वहीं जीवन सुमिन की तरफ देख के सोचती है कि सुमिन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, वो हमें तोड़ना चाहती है, और मैं तो यही चाहती हूँ कि तू कुछ भी करके हमें तोड़ दे, मेरे हस्बैंड से जो है वो शादी कर ले। और जीवन भी यही सोच रही होती है कि मैं तुम दोनों को कभी भी एक नहीं होने दूंगी। और वहीं मिनवान सोच रहा होता है कि बस जीवन को पता ना चले कि रिंग असली है या नकली, क्योंकि वो नकली रिंग लेकर आया है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड एंड होता है, और नेक्स्ट एपिसोड में जीवन और सुमिन के बीच में कुछ बहस हो जाती है जिस वजह से वो दोनों पानी में गिर जाती है, और जीवन पानी में गिर गई इस बात को लेके वो सोचता है मिनवान की, अरे जीवन मेरे लिए पानी में कूद गई। और बाद में वापस से सुमिन जो है वो मिनवान को सिड्यूस करने की कोशिश करती है और कामयाब भी हो जाती है, और इनके बीच में जो है वो वन नाइट स्टैंड हो जाता है। तो एक तरह से ये मिनवान की कमजोरी बन गया कि सुमिन के साथ उसका वन नाइट स्टैंड हो गया। वहीं जीवन जो है मिस्टर यू को थैंक यू बोलती है कि उसका बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए वो घटिया सा प्रपोजल उसे नहीं देखना पड़ा, एकदम अच्छा वाला प्रपोजल देखना पड़ा, और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और अब उसको ऐसे दिखावा करना होता है कि अरे मिनवान ने मुझे प्रपोज कर दिया, तो वो ऑफिस में जाके सबके सामने उसको शो ऑफ करती है ताकि सुमिन को जलन, और सुमिन को जितनी जल्दी जलन होगी वो इतनी जल्दी जो है वो मिनवान को पटाएगी और जीवन से दूर कर देगी। तो बस यही स्ट्रेटेजी जो है वो यूज करती है। इसके अलावा ये फटाफट से जो फैमिली है मिनवान की उसको भी पटाने की कोशिश करती है,
और उनके लिए काफी ज्यादा शॉपिंग भी करती है, इवन मिनवान के लिए भी काफी ज्यादा जो है वो शॉपिंग करती है। लेकिन इसी बीच सुमिन जो होती है वो मिनवान से मिलने आ जाती है बिना बताए ही, और वो डर जाता है, कह रहे तू यहाँ क्या कर रही है। लेकिन वो बोलती है कि अब तो इसको इसका सीक्रेट पता है, तो वो इसको बार बार डराने की कोशिश करती है, चाहती है कि इसके पास आ जाए। वहीं इसके जीवन के रिलेटिव्स वगैरह सोचते हैं कि हाँ जीवन तो क्या ही अमीर होगी, किसी से ही शादी करेगी। लेकिन वो जीवन का नया रूप देखे, क्योंकि मेकओवर कर चुकी है वो, कितना हाई स्टैंडर्ड की हो चुकी है, वो देख के एकदम ही चौंक जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।